अरे इस भिखारी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? एक काम करती हूँ, उठा लेती हूँ, इसको पता भी नहीं चलेगा। अरे कौन हो आप और क्या कर रहे हो? अरे भैया वो मैं पैसे डाल रही थी। अच्छा मैम साहब, तो कोई बात नहीं, डाल दीजिए। हाँ। क्या बात है यार, आज तो जॉब लगने से पहले ही सैलरी मिल गई, मेरा दिन ही अच्छा है आज का। अरे यार आजकल तो भिखारियों के पास भी पैसों की कमी नहीं है, और देखो तो कितने पैसे पड़े हैं, और ये तो अंधा भी है। एक काम करता हूँ, कुछ पैसे इनमें से उठा लेता हूँ, इसे पता भी नहीं चलेगा। अरे कौन हो आप और ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, पैसे डाल रहा था। अच्छा भैया धन्यवाद। देखो तो कितने अजीब लोग हैं, भिखारियों तक का पैसा नहीं छोड़ रहे। क्या होगा ऐसे लोगों का पता नहीं। अरे इन भैया के तो सारे पैसे गिरे पड़े हैं, एक काम करता हूँ इनके लिए बता देता हूँ। अरे भैया आपने इतने सारे पैसे यहाँ क्यों गिरा दिए हैं, ये कोई उठा के ले जाएगा? अरे भैया मैं अंधा हूँ ना, तो इसलिए मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, आप मेरे पैसे उठाकर दे सकते हो क्या? हाँ भैया बिल्कुल, अभी देता हूँ उठाकर, ये लीजिए भैया। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जैसे लोग ना बहुत कम ही हैं इस दुनिया में जो किसी का पैसा बता देते हैं। अरे कोई बात नहीं भैया, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम भी इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आई हो क्या? मेरा नाम काजल है, मैं भी इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा सपना है इस कंपनी में जॉब करने का। अच्छा काजल, ये कौन है, इसको जानती हो क्या तुम? नहीं मैं इसे नहीं जानती, इसे तो मैंने पहली बार देखा है, और देखकर ही लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से नहाया भी नहीं। देखो मैडम, आप इंटरव्यू देने आई हो, आप अपने इंटरव्यू पर ध्यान दो, मुझ पर ध्यान मत दो। सुन फटीचर, मैं इंटरव्यू पर ही ध्यान दे रही हूँ, और वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुझ पर ध्यान देने का, समझा? आ गए आप लोग, देखो तुम्हारा इंटरव्यू होगा बाद में, पहले ना तुम दोनों लोगों ने बाहर से जो पैसे उठाए वो पैसे मुझे वापस करो अभी के अभी। सर पैसे, कौन से पैसों की बात कर रहे हैं आप, हम तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं ना। लेकिन सर हमने तो कोई पैसे नहीं उठाए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। सुनो, बाहर बैठे जिस व्यक्ति को तुम लोग अंधा समझ रहे थे ना, वो अंधा नहीं था, वो सब कुछ देख सकता था, और वो अंधा व्यक्ति ना मैं ही था। क्या सर, वो व्यक्ति आप थे? लेकिन सर आपको अंधा बनने की और इस तरह भीख मांगने की क्या जरूरत थी? मैडम मैं आप लोगों का टेस्ट लेना चाहता था कि आप लोग कितने ईमानदार हो, और इस टेस्ट में ना तुम दोनों लोग फेल हो गए, और इन भाई साहब की ईमानदारी देखो, इन्होंने मुझे सभी पैसे उठाकर वापस कर दिए, और तुम लोगों ने उन पैसों को उठाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अब एक काम करो, तुमने बाहर से जितने भी पैसे लिए थे ना अभी अभी वापस करो मुझे। चलो अब निकलो यहां से। सर ये लीजिए, मेरा सीवी चेक कर लीजिए। अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है और उसमें तुम पास हो चुके हो, ये मानो तुम्हारी नौकरी पक्की है, कल से तुम नौकरी पर आ जाना। थैंक यू सर। कोई बात नहीं।